रीडिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उसको अपने गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ट्रेडिंग एक पार्ट ऑफ द गेम है, यहाँ पे लॉसेस होते रहते हैं, तो लॉस होता है तो माइंड नहीं करना है। बट आपको एक्चुअल पता भी तो होना चाहिए कि लॉस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, क्या आप जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे एक्चुअल में आपको ट्रेड लेना भी था या फिर नहीं लेना था। तो आपको कम से कम जो भी आपने ट्रेड लिए हैं उन सबको आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए। अब आपको कैसे रिव्यू करना है, कैसे गलती को आइडेंटिफाई करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने पीएनएल पे आ जाते हैं। पीएनएल पे आने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे मई में देख रहा हूँ, मुझे 2 तारीख को यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है उसको भी देखना है, प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी देखना है। क्या आपने अगर प्रॉफिट किया हुआ है तो क्या आपने एग्जैक्ट सही जगह पे एंट्री लिया था, फिर वहां पे अगर आपका कम प्रॉफिट हुआ है तो कम क्यों हुआ है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछना है चार्ट पे जाके। तो यहाँ पे मैं 2 तारीख 2 मई में मैं आपको दिखाता हूँ, तो 2 मई का यहाँ पे मेरा लॉस है। तो सिंपल आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे व्यू एंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो अभी क्या करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइम देखना है कि आपने कितने बजे यहाँ पर ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा 13:51, 2 मई। अब क्या करना है आपको, सिंपल चार्ट पे आ जाना है, 2 मई का चार्ट यहाँ पे खोज लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ और ये है 7 मई, तो 2 मई में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, ये आई थिंक यहाँ से है 2 मई, ठीक है। तो यहाँ कहीं से है 2 मई का चार्ट, ठीक है। तो अभी तो ये बन चुका है लेकिन हमने ट्रेड ऑलरेडी ले लिया था। तो हमने कहाँ लिया था, तो सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनता है वो मैं मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे दिख रहा है इजिली, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब देखिए ये चार्ट बना नहीं है तो ऑब्वियसली 2 मई तक हम इतना ही मार्क करेंगे, उसके बाद और भी अभी तो दिख रहा है कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है बट ये बना नहीं होगा तो कैसे दिखेगा। फिर एक यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ये देखिए इस तरीके का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस एरिया पे, ठीक है। अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो और भी आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ऊपर ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट 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 और फिर ब्रेक। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, उस दिन यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे हम, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा जो पूरा चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह से लेके यहाँ तक ये पूरा 2 मई का चार्ट है, ठीक है। अब जो है मैंने ट्रेड कब बनाया था वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 1:13:51 लिखा हुआ, मतलब 1:51 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1:51 देखते हैं कि कहाँ पे है। ये देखिए इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ वो अच्छे से दिखाई देगा। अभी वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपका जो भी सेटअप है, जैसे भी आप ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप से आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अभी मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको मैं अपने तरीके से मैं देखूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1:50, मतलब कि इस कैंडल के आसपास जो है हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, कॉल लिया था कि पुट लिया था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉल लिया था, तो यहाँ पे कॉल लेते ही मार्केट जो है नीचे चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन लगा दूँ तो ये इस कैंडल में आई थिंक यहाँ पर ट्रेड हुआ होगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस रखे होंगे और इस तरीके से कुछ टारगेट रखे होंगे उस दिन के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में मार्केट जो है ऊपर गया ही नहीं, ऐसा हिट कर दिया, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी लॉसेस हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है 400 रुपये का यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो अभी आपको इस तरीके से रिव्यू करना है हर एक ट्रेड की, क्या आपने यहाँ पे सही ट्रेड लिया था। यहाँ पे अगर मैं अगर जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड करने का कोई भी एरिया ही नहीं था पहली बार, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये गलत ट्रेड था। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स पता चलेगा जब आप रिव्यू करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे इतना ऊपर आ चुका था, फिर यहाँ पे बाय कर रहे थे तो वो सही यहाँ पे बाइंग का एरिया नहीं था, ठीक है। और ये बीच में ही यहाँ पे कंसोलिडेशंस कर रहा था, ठीक है, कोई भी जोन्स पे नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे
जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत ट्रेड था, इसीलिए यहाँ पे जो है लॉसेस हुए हैं। अभी फिर रिव्यू करना है इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रेड का। अब नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे कब किया था, इसको यहाँ पे बैक कर लेते हैं, बैक टू इसमें आ जाते हैं। और नेक्स्ट ट्रेड किया था मैंने 10 मई को, ठीक है 10 मई को किया था। तो इस पर भी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और व्यू एंड डिटेल्स। इसी तरीके से हमको यहाँ पे करना है, हर एक ट्रेड को अब रिव्यू करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि लॉसेस कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है, क्या वहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। अदरवाइज आप ट्रेड करते रहेंगे और ये बोलेंगे कि नहीं ये पार्ट ऑफ द गेम है, लॉसेस होते रहते हैं, तो आपको पता तो होनी चाहिए कि कहाँ पे आपका लॉस होगा, कहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होता है, तो ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, मिस्टेक्स ढूंढना और गलतियों को स्वीकार करना कि हाँ यहाँ पे शायद ये गलती हुआ था। अभी यहाँ पे मैं आपको 10 मई को दिखा रहा हूँ, इसमें भी लगभग 13:53 है, मतलब कि 1:53, ठीक है, कॉल बाय किया था, ये देखिए कॉल बाय किए हैं। तो अभी आ जाते हैं 10 मई के चार्ट पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, सॉरी यहाँ पे आगे आ जाते हैं। तो ये रहा 10 मई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको मार्क करेंगे, जो भी जोन्स है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जोन्स अगर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक इम्पोर्टेंट जोन्स, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से प्रॉपर मार्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, सपोर्ट 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 ब्रेक इस तरीके से। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर विड्थ अगर कम हो जाए, मतलब कि इस तरीके से थोड़ा, हाँ अभी अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये ठीक है, प्रॉपर है। उसके बाद और कुछ अगर यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस वगैरह तो मार्क कर सकता हूँ। ये देखिए 10 तारीख यहाँ पे है। अब इधर आगे के बेस पे नहीं मार्क करना है कभी भी, क्योंकि आगे वाला तो हमको पता ही नहीं होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं 10 तारीख के लिए ट्रेड प्लान करूंगा तो ये तो इधर बन गया, तो आप इजीली इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, बट आपको इधर के हिसाब से मार्क करना है और 10 तारीख तक ही सोचना है, मतलब 10 तारीख से पहले के चार्ट पे मार्क करना है। तो एक यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 10 तारीख, 10 तारीख में हमने यहाँ पे बाय कब किया था, कॉल बाय किया था 1:53 में, मतलब बिल्कुल टॉप पे ही बाय कर लिया था। ये देखिए यहाँ कहीं के आसपास, इसको मैं जूम कर लेता हूँ आपको। तो इस तरीके से आपको गलती ढूंढना है अपने ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ के आसपास मैं यहाँ पे बोलूंगा 2 बज रहा है यहाँ पे, 1:55, ये देखिए। तो इस कैंडल में हमने यहाँ पे बाय किया था, ये देखिए यहाँ के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, कॉल बाय किया था, ये देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस रहा होगा उस समय, और इस तरीके से हमने टारगेट लगाया होगा, ठीक है। जो तो टारगेट आप कितना भी लगा लो, इस तरीके से लगा लो, नहीं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ये लगाने से काम होगा क्या, ये लगाने से प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इम्पोर्टेंट है सही एंट्री रेट को एनालिसिस करना। तो यहाँ पे कॉल लिया था, टाइमिंग ठीक है, चेक कर लिया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है इस तरीके से जो है डायरेक्टली एंट्री लेते ही यहाँ पे लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्यों लॉस हुआ, अगर मैं अभी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो यहाँ पे जो है मुझे इधर ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेना था, बट हमने क्या किया, एकदम टॉप पे ट्रेड ले लिया, और टॉप पे मैंने कौन सा ट्रेड ले लिया, कॉल का ट्रेड ले लिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी यहाँ पे ट्रेड गलत था, जो मेरे रूल्स हैं, जो मेरे प्लान्स हैं, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरा साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग ये भी ट्रेड यहाँ पे मेरा गलत है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि नहीं ये तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस हो गया कोई बात नहीं, अगली बार प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो चीजें होता है ये सिर्फ आपको मन को सुकून देने वाली चीज होती है, और यूट्यूब पे आपको इसी तरीके का वर्ड्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बट अपने ट्रेड को रिव्यू करना, एनालिसिस करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ताकि ये आपको पता चले कि आप जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो वो लेवल सच में मिस्टेक्स वाला था, या फिर वहाँ पे क्या था, क्या आपने फॉर्मो में लिया, क्यों लिया। तो यहाँ पे मैं क्यों लिया होगा, अगर मैं एक रीजन आपको बताऊं तो मुझे ये रीजन यहाँ पे लग रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे ये लगा होगा यहाँ पे
इस तरीके से मैंने यहाँ पे एम पैटर्न देख लिया था। एम पैटर्न देखने के बाद ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मैंने तुरंत इमीजिएटली ट्रेड बना लिया, जबकि इसके रीटेस्ट यहाँ पे इस तरीके से होता है तो फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बट यहाँ पे आते ही हमने जो है कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, बट ये कहाँ चला गया, ये तो मुझे पता चला कि एम अगर पैटर्न बन रहा है तो ब्रेक करने के बाद कैसे जाएगा, क्या जाएगा, कहाँ पे लेना है, तो ये कैसे पता चला, यहाँ पे मैंने रिव्यू किया तो पता चला। आपका कुछ और तरीका हो सकता है, आपका पैटर्न वाला तरीका हो सकता है, या फिर कोई भी इंडिकेटर वाला तरीका हो सकता है, तो जो भी तरीका है अपने अकॉर्डिंग आप लोग जरूर से रिव्यू करिएगा। तो इस तरीके से आप जो आपको 3 मंथ का डेटा निकाल लीजिए, उसको रिव्यू करिए, और जब आप रिव्यू करेंगे तो बहुत ही आपको फनी लगेगा कि आप किस तरीके से कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हैं अननेसेसरी। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।